गाइज कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदिता रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊं पर बना नहीं पा रही थी। फाइनली अब मैंने अपना ये चैनल बना लिया है और उस पर मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए और कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइज आप लोग की सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने में मन भी लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मैं अभी यहाँ छत पे आई हूँ। ये मैं रेंट के घर में रहती हूँ और मैं भी छत पर हूँ और छत के ऊपर मेरी सानवी मेरी बेटी खेल रही है। धीरे धीरे जाओ बेटा, गिर जाओगी, दौड़ा दौड़ी मत करना, दौड़ना नहीं। लुक्का छिपी खेल रही है सानवी। हाँ लुक्का छिपी छुपेगी कहाँ, छत पर तो कहीं जगह ही नहीं है छुपने के लिए। दौड़ो नहीं बेटा, गिर जाओगी, दौड़ोगी। लेता हूँ यहीं पे। और बहुत से इनके दोस्त हैं जो अपने फैमिली को यहाँ पे रखे हुए हैं, इसलिए ये भी रेंट पर रूम ले लिए और हम लोग बस साथ में यहीं पे रहते हैं। हम लोग को भी अच्छा लगता है और सानवी भी अपने पापा के साथ खूब खेलती है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस छोटी सी ज़िंदगी है, हंसते बोलते ऐसे ही कट जाएगी, दूर दूर रह के और क्या करना है कि नहीं। ये है मेरे, मैं जहाँ रहती हूँ उस रूम के नीचे फ्रंट का है। ये मेरा बाइक लगा हुआ है मेरे हस्बैंड जी का और उधर कपड़ा पसारा हुआ है, मीलों का कपड़ा दिया हुआ है बस सूखने के लिए। बट आज तो धूप किया ही नहीं है जो सूखेगा, बारिश हुई थी रात में बहुत तेज। तो ये ऊपर से नीचे दो तल्ला तक है, हम लोग मतलब नीचे वाले फ्लोर पर ही रहते हैं रेंट में। तो अभी मैं छत पर थोड़ा सा आई थी, मेरी बेटी को खेलने का मन हो रहा था। तो और ये जो सामने वाला जो बिल्डिंग है, मेरी सानवी इसी में पढ़ने जाती है ट्यूशन। बस एक रास्ता है बीच में, ये रोड, ये रोड के बाद ही ये है। बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है, बस पास में ही यहीं पे पढ़ती है। ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है छोड़ने जाने लाने के लिए, बस दो एक मिनट भी नहीं लगता है, आराम से चली जाती हूँ वापस ले आ जाती हूँ। और इस साइड से थोड़ा बगल से रास्ता है नीचे इधर आने के लिए बैक में, और ये सब अंडर में ही आता है हम लोग के। और ये जो फूल का पेड़ आप लोग देख रहे हैं, इसी से हम लोग के लिए भी पूजा के लिए फूल निकल जाता है, क्योंकि बगल की जो आंटी है उनका आधा पौधा इस तरफ आया हुआ है और जो भी फूल इधर आता है वो हम लोग लेते हैं, पूजा करने के काम में आ जाता है। तो पूजा के लिए भी कोई टेंशन नहीं है कि फूल कहाँ से लाऊँ कहाँ से लाऊँ। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर हर चीज़ से सुविधा भी है और सब चीज़ पास में ही है, मार्केट भी ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आप लोग से मिल रही हूँ सीधे शाम को। यहाँ गाजर के हलवा बनाने की तैयारी हो रही है, उसके लिए मैं गाजर को अच्छी तरह से छील रही हूँ। सारे गाजर को एक साथ छीलने के बाद मैं उसे पानी में अच्छी तरह से वॉश कर दी हूँ, वॉश करके छान ली हूँ ताकि सारा पानी उसका निकल जाए। सबसे पहले मैं यहाँ कढ़ाई में घी गरम करके उसमें कद्दूकस नहीं की थी, चॉप कर दी थी, बारीक चॉप किया हुआ गाजर डाल दी हूँ और गाजर को अच्छी तरह से मिला कर उसे थाली से ढक दी हूँ। बीच बीच में उसे चलाते रहना है। इधर मैं दूध उबाल रही हूँ उसी में डालने के लिए, हलवा में डालने के लिए अच्छी तरह से मैं दूध को उबाल ली हूँ इधर। उसके बाद गाजर के हलवा में दूध को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला के कुछ देर के लिए उसे ढक देंगे और बीच बीच में उसे खोल के आप फिर से चलाते रहेंगे और इसी तरह से धीरे धीरे धीमी आंच पे पकाना है। यहाँ पे मैं चीनी वाला क्लिप मिस हो गया था, मैं यहाँ पे चीनी ऐड की हूँ और उसके बाद सूखने दे रही हूँ इसका दूध, अच्छी तरह से इसमें मिल गया, सूख गया। उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दी हूँ ऊपर से मैं, और ड्राई फ्रूट में किशमिश और बादाम डाली हूँ। काजू मेरा ख़त्म हो गया है और ये हलवा था। देखिए सानवी यहाँ हलवा बन गया गाजर का, वो खाने के लिए मांग रही थी, बोल रही थी मामा दे दो जल्दी मुझे, देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो इस समय कटोरी में हलवा दे दी हूँ, वो हलवा बैठ के खा रही है। हाँ बोल बोल बोल, तो उधर साइड में चला गया। बोल लेके क्या करोगी अभी? बोल लेके ऐसे रखेंगी। खा लो पहले हलवा खा लो, उसमें नहीं आएगा बेटा, गिर जाएगा उसमें से। ये टेबल इसके स्टडी के लिए है तो उसी पर वो सारा काम करती है, खाती भी है खेलती भी है, सामान रखिए कुछ कुछ इधर खेलने का, ये देख लीजिए।
उधर भी ये बॉल रखी है और इसी प्रकार के खाती पीती भी है ये, इसके लिए सब हाँ सब काम हो जाता है इस पर इसका, है ना बेटा। कैसा लग रहा है हलवा बेटा? यम्मी है, टेस्टी लग रहा है। हाँ तो मम्मा को थैंक यू नहीं बोली तो। थैंक यू, वेलकम बेटा। गाइस ये रहा रात का डिनर, यहाँ पे मैं बनाई थी बंदा गोभी का सब्जी है और एक गाजर का हलवा है, रोटी है। और मेरे हस्बैंड का एक अजीब सा ही शौक़ है, वो ना रात दिन कभी भी हो उनको खाने में थोड़ा सा मिक्सचर ज़रूर चाहिए होता है। ये देखिए रोटी हलवा सब्जी, फिर भी उनको थोड़ा मिक्सचर चाहिए ही चाहिए। तो चलिए हम लोग डिनर कर लें का डिनर, और बदमाशी हो रहा है सानवी का। और कल फिर मिलते हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।